नमस्कार, मल्टी क्रिएशन में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? बहुत सुंदर डिज़ाइन लेके आई हूँ। छोटी सी बुनती वाला है, इसमें दो के मल्टीपल में फंदे होंगे और मैंने यहाँ पे जो फंदे लिए सैंपल के लिए समझाने के लिए 22 स्टिचेस लिए हैं। ये हमारी रॉन्ग साइड आ गई। यहाँ पे जो हमने सिलाई यूज़ करनी है वो 10 नंबर की करनी है। इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो, लेडीज़ बेबी स्वेटर पे, जेंट्स स्वेटर पे, किसी में भी डाल सकते हो। बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रो वन, यहाँ पे पहला फंदा स्टिच हमने स्लिप कर देना है, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे। धागा अपनी तरफ लाने के बाद ये जो नेक्स्ट दो फंदे हैं इनको हमने पहले एक फंदे को बैक लूप से सीधा बनाएंगे, फिर सेकंड फंदे को भी बैक लूप से सीधा बनाएंगे। ये जो धागा हम अपनी तरफ लाए थे, जाली थी जो, इसको ये जो दो फंदे हैं इनके ऊपर से हमने ऐसे उतारना है। फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, बैक लूप से सीधा एक, फिर बैक लूप से सीधा ये दो, फिर जो जाली थी धागा अपनी तरफ लाए थे इसको इसके ऊपर से हमने उतारना है। ये हमारी रो वन है। इस रो वन को हमने सारा ऐसे ही रिपीट करना है, ध्यान से देखते रहना। ये जो जाली है इसको हमने इसके ऊपर से उतारना है। ये सारी रो ऐसे ही रिपीट करके बता रही हूँ, इसको ध्यान से देखते रहना और बिना स्किप करके एंड तक वॉच करना। बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। और फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि उससे जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाएगा। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो। ये रो वन है, इसको हमने सारा ऐसे ही बनाना है। लास्ट वाला स्टिच सीधा बना लेंगे। ये रो वन कंप्लीट हुई है, हम अपनी रॉन्ग साइड की तरफ आ गए हैं। रो टू, पहला फंदा स्टिच और एक दो ये उल्टे, और फिर से जो नेक्स्ट दो फंदे नज़र आ रहे हैं इनको भी उल्टा ही बनाएंगे, एक दो, मतलब जो रो टू है हमारी उसको सारा उल्टा ही बनाएंगे। ये वाला डिज़ाइन इसलिए इतना आसान है कि इसमें जितनी भी रॉन्ग साइड आती है वो सारी हमने उल्टा ही बनाना है। कई व्यूअर्स से उनने कमेंट किया था कि कुछ ऐसा डिज़ाइन बताओ जिसमें कि जो रॉन्ग साइड आएगी वो उल्टी ही आएगी, तो ये स्पेशल वीडियो उनके लिए ही है। इसमें जितनी भी रॉन्ग साइड है सारी उल्टी ही आएगी। ये सिर्फ दो सिलाई का डिज़ाइन है, लेकिन यहाँ पर हमने देखिए रॉन्ग साइड भी कंप्लीट हो गई रो टू। अब हमने क्या करना है, रो थ्री आ गई, ध्यान से देखते रहना। रो थ्री है, पहला फंदा स्टिच तो हमने ऐसे ही उठा लेना है, उसके बाद जो सेकंड फंदा है उसको बैक लूप से सीधा बना लेंगे, सिंपल से सीधा बना लेंगे। अब यहाँ पे पैटर्न चेंज होगा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, अब बैक लूप से एक और ये दो फंदे सीधे, फिर जो जाली डाली थी उसको हमने इसके ऊपर से उतार देना। जाली मतलब जो हम धागा अपनी तरफ लाए थे वो जाली ही बन गई थी, तो उसको हमने दो फंदों के ऊपर से निकाल देना। फिर से धागा अपनी तरफ, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। जब पैटर्न चेंज होता है तो इस रो को आराम से ध्यान से देखना होता है। रो वन जैसे ही है, लेकिन ये हमने रो थ्री में पैटर्न चेंज किया है, उसका ध्यान रखना है। बाकी सेम वैसे ही बनानी है जैसे हमने रो
वन बनाई थी। अब लास्ट में भी जो हमारा एसटी से पहले जैसे यहाँ पे एक सीधा बनाया था, लास्ट में भी हमारा ऐसे ही आ रहा है एक सीधा और एसटी आगे। रॉन्ग साइड हमारी रो 4, इसको हमने सारा उल्टा ही बनाना है। मैंने पहले ही बताया था इसमें जितनी भी रॉन्ग साइड आएंगी सारी उल्टी ही आएंगी। ये टोटल हमारा 4 सिलाइयों का रिपीट पैटर्न है, 4 रोज रिपीट पैटर्न है, यही 4 सिलाइयाँ हमारी बार बार रिपीट होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।